नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। 13,500 करोड़ से ज्यादा के कथित पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड और फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़े ही फिल्मी अंदाज में वो एंटीगुआ से फरार हो गया था, डोमिनिका पहुंचा था, जहां पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब वापस से एंटीगुआ की रॉयल पुलिस फोर्स को उसे सौंपने की तैयारी चल रही है। बड़े ही फिल्मी अंदाज में वो बोट से एंटीगुआ से फरार हुआ था और डोमिनिका पहुंचा था, जहां उसे गिरफ्तार किया गया है। ये मेहुल चौकसी आखिरकार है कौन? कैसे पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह इसने अपने फरार होने की साजिश रची और फेल हो गया? ये सारी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने इस वीडियो में। एक एक कर बताऊंगा आपको कि मेहुल चौकसी आखिरकार है कौन, कैसे इसने हिंदुस्तान में पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की और उसके बाद ये एंटीगुआ फरार हो गया। और 2017 से एंटीगुआ में ही वो रह रहा था और अब ऐसा क्या हुआ कि उसे वहां से भी फरार होने की कोशिश करनी पड़ी? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिरकार ये मेहुल चौकसी है कौन, इसका जन्म कहां पर हुआ, कैसे ये हीरो का इतना बड़ा कारोबारी बना। तो दोस्तों, मेहुल चौकसी का जन्म हुआ था 5 मई को 1959 को, जगह थी मुंबई। मेहुल ने गुजरात के पालनपुर से हीरो की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेहुल चौकसी पीएनबी घोटाले का जो मास्टरमाइंड है नीरव मोदी, उसका मामा है। मेहुल गहने का बड़ा कारोबारी रहा है और ज्वेलरी की दुनिया में बड़ा नाम है। मेहुल की कंपनी गीतांजलि का सालाना टर्नओवर करीब 13,000 करोड़ रुपए का है। गीतांजलि का कारोबार देश के साथ साथ दुनिया भर के कई देशों में फैला है। गीतांजलि दुनिया भर में हीरो का निर्यात करती है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिरकार गीतांजलि कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कैसे और किस उम्र में मेहुल ने इस कंपनी की बागडोर संभाली और इतना बड़ा कारोबारी वो बन गया। दरअसल गीतांजलि कंपनी की स्थापना साल 1966 में सूरत में मेहुल चौकसी के पिता ने की थी। वो जाने माने कारोबारी थे और उन्होंने हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए यह कंपनी खोली थी। कंपनी का नाम मेहुल की दो बहनों गीता और अंजलि के नाम को मिलाकर रखा गया था। मात्र 26 साल की उम्र में मेहुल चौकसी ने कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ली और फिर शुरू हुआ नाम और शोहरत का बड़ा खेल। 2001 से 2005 के बीच गीतांजलि समूह ने नक्षत्र, अस्मी, डीडमॉस और संगनी ब्रांड नाम से बाजार में कदम रखा। 2006 से 16 के बीच मेहुल चौकसी ने अमेरिका में रिटेल चेन रॉजर्स एंड सैमुअल, इटली की गियांती इटालिया, डीआईटी और वेलेंटा ब्रांड खरीद लिया। मेहुल ने जब गीतांजलि को संभाला था तब टर्नओवर 50 करोड़ रुपए का था। आज गीतांजलि का कुल कारोबार $2 अरब पहुंच चुका है। और इसके बाद शुरू होता है पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी का बड़ा मामला। अरबपति डायमंड कारोबारी नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चौकसी ने मिलकर आरोप इन पर यह है कि इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई शाखा से 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जालसाजी की। ये कैसे की? क्योंकि फर्जी एलओयू के जरिए इन्होंने करोड़ों का कर्ज ले लिया और उसके बाद ये लेकर वो फरार हो गए। ये 13,500 करोड़ से ज्यादा की रकम बताई जा रही है जो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने दोनों ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से ले ली। इसमें पंजाब नेशनल बैंक के उस वक्त के कई सारे कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर बैंक को अंधेरे में रखकर फर्जी एलओयू जारी किए, जिसकी वजह से इनको इतना कर्ज मिला और उसके बाद जब इतना कर्ज इन्होंने ले लिया उसको वापस नहीं किया और फरार हो गए। जहां तक नीरव मोदी जो है, जो मेहुल चौकसी का भांजा है, ये फिलहाल लंदन की जेल में है और प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। और जो मेहुल चौकसी है, ये इतना कर्ज लेने के बाद साल 2017 में एंटीगुआ भाग गया था। साल 2017 में मेहुल चौकसी ने निवेश से नागरिकता का एक क्लॉज होता है, उसके तहत एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी और फिर जनवरी 2018 में वो हिंदुस्तान से फरार हो गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब तमाम पीएनबी के वो कर्मचारी और अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जो इस पूरी जालसाजी में शामिल थे, वो रिटायर हो गए। उसके बाद जब जांच हुई तब पता चला कि इस पूरे मामले में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी आरोपी रहे हैं, लेकिन तब तक वो फरार हो चुके थे। नीरव लंदन भाग चुका था और मेहुल एंटीगुआ। और तब से लेकर अब तक भारत की एजेंसियां तमाम कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरीके से इन दोनों को ही भारत वापस लाया जाए।
अब जब मेहुल चौकसी डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया है तो एंटीगुआ के प्रधानमंत्री का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेहुल को भारत को सौंप दिया जाएगा। तो एक बड़ी कामयाबी भारत के लिए कही जाएगी क्योंकि इतना हजारों करोड़ का ये जालसाज जिस पर इतना हजारों करोड़ का धोखाधड़ी का आरोप है, कम से कम उसे वापस हिंदुस्तान लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। क्योंकि सोचिए इतने साल हो चुके हैं, अब तक एजेंसियां कोशिश कर रही थी लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई थी। अब जब वहां के प्रधानमंत्री ने ये बयान दे दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पूरा फिल्मी अंदाज में, एक तरीके से कहते हैं ना, फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे होती है जिसमें बड़ा डॉन होता है और बोट के जरिए वो समुद्र के रास्ते इधर उधर फरार हो जाता है, ठीक वैसे ही कोशिश में था ये मेहुल चौकसी। लेकिन किस्मत थोड़ी सी फूटी निकली और डोमिनिका में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये पूरी कहानी है जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे इतना बड़ा कारोबारी बना, इसके बाद कैसे उसने पंजाब नेशनल बैंक से इतने हजारों करोड़ की जालसाजी की और फिर कैसे वो एंटीगुआ भाग गया और अब गिरफ्तार हो गया है। कैसी लगी ये स्टोरी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।